हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ डॉक्टर गौरव वर्मा। आज की इस वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स हम कंप्लीट स्टैटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जो अननोन पैरामीटर के बारे में हम कैसे ये बात करेंगे, क्या होती है कंप्लीट स्टैटिक्स। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हमने सीखना कि कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी क्या होती है। सबसे पहले ये लाइन पढ़िए, द प्रॉपर्टी ऑफ कंप्लीटनेस इज एक्चुअली अ प्रॉपर्टी ऑफ फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन rather than a static, यानी कि ये family of distributions को deal करती है। This property shows that distributions corresponding to different values of the parameter are different। ठीक है, ये तो इसकी definition होगी। Mathematically हमें कैसे करना है, अगर theta cap हमारा कोई complete statics है तो उसको क्या करना है, उसकी जो expectation को आपने zero कर लेना is equal to, ठीक है, expectation को zero करके आपने ये show कर देना कि h theta भी zero होएगा। यानी कि आपने जो भी जिसको भी कंप्लीट शो करना है उसकी एक्सपेक्टेशन को जीरो पुट कर लेना है, ठीक है, उसको जीरो पुट करके आपको ये शो करना कि एच थीटा भी जीरो होएगा। अगर एच थीटा जीरो होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच थीटा इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू वन, क्योंकि ये श्योर इवेंट होगी तो इसकी प्रोबेबिलिटी वन होगी, ठीक है। तो आपको पता है अगर वो डिस्क्रीट का क्वेश्चन तो समेशन से खोलेंगे, अगर वो कंटिन्यूस का तो उसको इंटीग्रल से खोलेंगे। जी हमारा क्या होगा, पीडीएफ होगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग चलना है हमने। तो अगर कोई स्टैटिक सफिशिएंट भी हो कंप्लीट भी हो उसको हम बोलते हैं कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिक। इसका जो काम है राव ब्लैक थ्योरम में भी काम आएगा इस चीज का। तो नंबर वन एग्जांपल देखिए, हमें यहां पे एन वेरिएबल्स का डाटा दिया गया है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का आपको पीडीएफ पता क्या होता है, ई की माइनस एक्स माइनस न्यू का स्केयर अपॉन टू सिग्मा स्केयर 1 by root 2 pi sigma, ठीक है। तो यहाँ पे 1 by root, अब इसने क्या किया, it is normal distributed, तो उसने क्या किया, जो मेरा mean है theta put कर दिया और sigma को 1 put कर दिया। और मैंने आपको definition में बताया था आपने लेनी expectation of h theta cap का मतलब x1 है यहाँ पे, ठीक है। अब क्योंकि सारे normally distributed है तो उसका जो function होएगा x1 का वो normal distribution का ही होएगा बेटा, ठीक है। तो वहां पे जो हमने उसको t में convert कर लेना theta cap को, तो यहाँ पे एच टी, तो यहाँ पे जो वेरिएबल एक्स आ रहा है डेफिनेशन में, यहाँ पे आपने टी लिख देना है, ठीक है। ये आपने इंटीग्रल इज इक्वल टू जीरो मान के चलना है। अब इसने क्या किया, यहाँ पे थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। सेटिंग इन द सेंस, जैसे इसको स्केयर खोल लिया पूरे का, ठीक है, उसमें से ई थीटा डॉट ये बाहर निकाल लिया, तो ये लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन बन गई है। तो ये चीज की लैपलेस तभी जीरो होगी अगर दिस पार्ट विल बी जीरो, तो दिस पार्ट विल बी डेफिनेटली जीरो। तो ये जीरो होगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपकी वन होगी। तो थीटा कैप इज इक्वल टू एक्स वन इज अ कंप्लीट स्टैटिक्स, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आपने सिंपल एक्सपेक्टेशन का फार्मूला लगा के इज इक्वल टू जीरो कर देना है, वहां से आपने बोलना कि मेरा एच जीरो है, बस कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं आपको। एग्जाम्पल नंबर टू, अब ये बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन है, आपको पता बर्नौली में समेशन का यूज, क्योंकि डिस्क्रीट टाइप का वेरिएबल है, ये इसका फंक्शन, हमें सिग्मा एक्स आई बनाना है कंप्लीट स्टैटिक। तो पहले इसने क्या किया, प्रोडक्ट ऑफ, इसने क्या किया एल बना लिया, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन सभी का प्रोडक्ट। तो जब इसको थीटा एक्स वन, एक बार एक्स वन मल्टीप्लाई करोगे तो जब वो मल्टीप्लाई करके यहाँ पे समेशन एक्स आई आ जाएगा, वन को कितनी बारी मल्टीप्लाई करोगे एन पावर जुड़ जाएगी, समेशन एक्स आई आ जाएगा। अब इसने क्या किया, इसके साथ एक वन लिख लिया, ठीक है। तो ये फंक्शन ऑफ टी एंड थीटा हो गया, टी मेरा यहाँ पे क्या, समेशन एक्स आई, क्योंकि इसके बारे में बात करनी है, थीटा इसमें आ रहा ऑलरेडी, और साथ वाले को वन मान लिया एच। तो ये जो टी समेशन एक्स आई है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ये हमारा मतलब कि एल जो है रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स, जिसमें थीटा थीटा कैप आ रहा है और एक में एक्स वन एक्स टू एक्स एन का फंक्शन है। तो इट इज सफिशिएंट स्टैटिक्स, ये सफिशिएंट स्टैटिक्स होती है ना, हमने पढ़ा है। तो अब इसने क्या किया आगे, क्योंकि एक्स आई आर आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूटेड है बर्नौली वेरिएट, अगर हमें पता है एक्स आई जो होता है अगर बर्नौली का है तो जो समेशन एक्स आई है हमेशा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का हो जाता है, बी एन थीटा हो जाता है। तो समेशन एक्स आई बी एन थीटा का हो गया, क्योंकि मुझे इसके बारे में बात करनी है, ठीक है। तो क्या किया इसने, अब इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन लिख लिया, एन सी आर थीटा की पावर आर वन माइनस थीटा एन माइनस क्यू, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी इसने, ये एन कॉमा पी होता है वैसे तो बाइनोमियल में, तो पी मेरा थीटा हो गया, ठीक है। अब उसने एक्सपेक्टेशन ऑफ एच टी लेनी है जैसे आपको सिखाया था, तो यहाँ पे एच टी की जगह इसने एच के लिख लिया और इसकी प्रोबेबिलिटी टी इज इक्वल टू के कर ली,
ठीक है, k की वैल्यू 0 से इसने n कर ली है, क्योंकि हमेशा 0 से n चलता होता है वेरिएबल यहां पे, ठीक है। अब इसने क्या किया, इसको a के मान लिया, और इसकी समेशन खोलो a 0 a 1 पुट कर दिया। अब सारा में इक्वल टू 0 करना होता है कंप्लीट स्टैटिक्स में, यही करना है कि जो एक्सप्रेशन है उसको इज इक्वल टू 0 कर लो। आपने ये शो करना है कि एच के भी मेरा 0 आ जाएगा, ठीक है। दिस पार्ट विल बी 0 इज इक्वल टू 0 कर लिया डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अब थीटा तो 0 के मान में लाई कर रहा है, तो ये जो पार्ट है कभी भी 0 नहीं होगा आपका। इसका मतलब हो गया कि a 0 a 1 a 2 a n 0 होंगे। अगर a 0 a 2 n सब 0 होंगे तो h 2 भी 0 हो गया यूजिंग 1 एंड 2 इक्वेशन, क्योंकि जो उसके h h जो a k था ना वो आपका था h t into n c k, n c k तो कभी भी 0 नहीं होता, वो तो कॉम्बिनेशन के कोफिशिएंट्स हैं। तो इसका मतलब h t 0 हो गया, h t तो जो थी वो t कंप्लीट स्टैटिक्स मेरा बन गया कंप्लीट। उसने ब्रैकेट में सफिशिएंट भी लिखा होगा तो उसने वहां पे सफिशिएंट प्रूव करके दिखाया है। अगले क्वेश्चन में भी यही चीज है कि हमें एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है ये वाली, ठीक है, और t इक्वल टू x1 के लिए उसने कहना काम कर, t को उसने x1 मान लिया, ठीक है। बस ऐसे आपने मान लिया करना, उसके बाद e थीटा ht करना हमेशा आपने। तो जब ht करोगे वहां पे hu लिख लिया करना, और वहां पे जहां पे फार्मूला होता है आपका x माइनस न्यू आपका 0 है इसमें अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर, तो x की जगह वहां पे वो u पुट कर देता है, ठीक है। बार 1 बाई सिग्मा 2 पाई होएगा, वो सारा जाके 0 बना दिया, ठीक है। अब वो कहता है ये इंटीग्रल तब 0 होएगा अगर ये ऑड फंक्शन होगा एच यू इज इक्वल टू माइनस, अदरवाइज ये इंटीग्रल कभी भी 0 नहीं होगा। इसका मतलब एच यू इज नॉट इक्वल टू 0 होएगा, क्योंकि ऑड के कारण 0 हो रहा है, अदरवाइज एच नॉट मतलब कि ये कभी भी नॉट इक्वल टू 0 होएगा ही नहीं होएगा। तो इस केस में कभी भी ये 0 नहीं बनेगा अगर एक्स वन है, टी इज इक्वल टू एक्स वन। अगर हम टी को एक्स स्क्वायर लेते हैं, यानी कि यहाँ पे यू को यानी कि टी एक्स स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे यू को एक्स स्क्वायर पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी उसने एक्स स्क्वायर ही ले लिया टी इक्वल टू, अब क्योंकि इसने यू की जगह एक्स स्क्वायर ले लिया। अब क्या किया, एक्स स्क्वायर को यू पुट कर लो, तो इसकी वैल्यू इतनी आ गई, यहाँ पे पुट कर दी जाएगी डी एक्स की वैल्यू, ठीक है। अब ये इंटीग्रल आपका इस फॉर्म में चेंज हो गया। अब वो बोल रहा है कि ये जो इंटीग्रल है ये लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन है 1 बाय थीटा की, ठीक है। इसके लिए लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन है, इसलिए वो 0 तब होगा अगर ये चीज 0 हो जाएगी, ठीक है। तो क्योंकि किसी भी फंक्शन की लैपलेस ऐसे 0 नहीं होती, अगर फंक्शन ही 0 होगा तो लैपलेस 0 होगी। तो इसका मतलब एच यू 0 हो गया आपका, तो टी इज इक्वल टू एक्स के कंप्लीट स्टैटिक्स हो गया। कंप्लीट स्टैटिक्स का सिंपल मतलब है, दोबारा सुन लो, उसकी जो एक्सपेक्टेशन है आपने 0 के इक्वल करके आपने ये शो करना कि एच टी भी 0 के इक्वल होगा, और इसमें कुछ भी नहीं कर रहा, थोड़ा सा तरीका ही समझना आपने। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।